ये बात की ओ होली चल वीरे होली चल, लह जा काम नहीं करना, जाना कहाँ? अब जाएंगे भाई, लगाएंगे गाड़ी अपनी लोडिंग पॉइंट पे। देव भाई अकेला चलेगा भाई, आए भी अकेले हैं भाई तो जाना भी अकेले ही है। पूरी 500 पानी है, पूरी 500। तो देख रहे हो भाई, मर्सिडीज से अपना ट्रक कम नहीं है ना भाई। देखो चाय का गिलास देखो, और खड्डा कितना बहुत बड़ा नीचे। देखो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू चैनल दीबू खान। आई होप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे एंड बढ़िया से होंगे। तो लास्ट व्लॉग में आपने देखा था कि कठुआ ही में थे, तो अभी भी यहीं पे, तो गाड़ी अभी भी यहीं पे पार्क करी हुई है। खाली तो हो चुकी है बट अभी वेट ब्रिज नहीं हुआ क्योंकि शाम के टाइम हो चुकी थी खाली। सो जो मैनेजर थे वो यहाँ पे नहीं थे, तो अभी कराएंगे भाई, बज रहे 8:30, अभी कराएंगे गाड़ी का वेट ब्रिज और मिलेगा भाड़ा भी। तो सर्दी ना आज इधर भी भाई बहुत ज़्यादा है, अभी फ्रेश होके आए ना, सारी धोया, पूरे नहाए नहीं, बट मतलब बुरी कंडीशन हो रखी है। पानी तो ठीक ठाक गर्म था बट बाहर आके ना मौसम थोड़ा अलग ही है, देख रहे हो आप, मतलब फॉग छाया हुआ है। सो वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले जल्दी से कर दे चैनल सब्सक्राइब, इंस्टा फेसबुक पेज भी कर दें फॉलो, तो आपका भी ज़्यादा समय ना लेते हुए करते हैं आज का व्लॉग यहीं से कंटिन्यू। पहले शौकत भाई उठे थे, मैं सोया ही था, बिस्तर वगैरह उठा रहा था, तो लगा दी भाई ने फिलहाल नमकीन चाय और सुबह ही सुबह देख रहा है बंदा मूवी। तो चलो बनाते हैं चाय, तैयार करके चाय पी के उसके बाद देखते क्या रहता है। तो ऊपर से ऐसा आदेश आ गया हमारे लिए कि भाई गाड़ी लेके आ जाओ, करो वेट ब्रिज, दूसरी जगह वेट ब्रिज, दूसरी मिल है जो जिसमें वहाँ से आते समय आए थे, सो वहीं करेंगे, वहीं बिल वगैरह दे के फिर देखते हैं भाड़ा अकाउंट में डालेंगे, क्या करेंगे वो आगे का प्रोसेस है। बाकी चलते चलते भाई साहब चाय पी रहे हैं कि काम ही ऐसा है भाई, लाइफ देख सकते हो यार, ट्रक लाइफ ऐसी ही है, मतलब अभी एक जगह रुक के बंदा चैन से खाने का भी नहीं है, कभी ऐसी सिचुएशन भी आती है। सो चाय भी यहाँ रखी हुई है और गाड़ी भी चल रही है। तो देख रहे हो भाई, मर्सिडीज से अपना ट्रक कम नहीं है ना भाई। देखो चाय का गिलास देखो, और खड्डा कितना बहुत बड़ा नीचे। देखो चाय का गिलास या कप नहीं गिरेगा भाई, देखो हिलेगा नहीं, रनिंग गाड़ी में देख रहे हो, और जंपिंग कितनी है, मर्सिडीज से बढ़ के भाई, आयर सस्पेंशन से बढ़ के सस्पेंशन है इसमें। तो हो चुका है अपनी गाड़ी का वेट ब्रिज और वेदर आप देख रहे हो भाई, मतलब ना दिन के 11:30 बज रहे और बिल्कुल भी विजिबिलिटी नहीं है अभी भी भाई, पूरा कश्मीर वाला सीन हो रखा है, जैसे कश्मीर में कभी कभी कोहरा जमता है ना, तो सेम ऐसा ही मौसम हो जाता है और सर्दी भी साथ में है भाई। तो अभी कठुआ में गाँव एरिए में, विलेज एरिए में, तो 2-3 किलोमीटर के बाद मिल जाएंगे अपने NH 44 पे, उसके बाद फिर वहाँ से जाएंगे भाई पंजाब जाना है हमें। पंजाब जाना है, फिर बटाला, बटाला जाना है, वहाँ से फिर से हमें FCI लोड करनी है, बट शुक्र अल्लाह का तरपाल वगैरह डाली हुई है, सीधा जाना है, डाला खोलना है, लोड करना है, तो वापस और कल कानवाई भी है, और बोल रहे कि बर्फ भी पड़ने वाली है श्रीनगर में, तो बर्फ के नज़ारे भी आने वाले हैं भाई। व्लॉग्स कंटिन्यू देखते रहना और बेल आइकन, बहुत सारे भाइयों ने प्रेस नहीं करी है नोटिफिकेशन बेल आइकन है जो, उसको प्रेस कर दे ताकि सबसे पहले मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आ सके। तो पहुंचा है NH 44 पे, सो चलेंगे आप भाई पंजाब बटाला की ओर। तो अभी कठुआ ही है, तो अभी J&K और पंजाब के बॉर्डर पार करके आगे एंटर हो जाएंगे पंजाब में। सो आगे दूसरी गाड़ियां भी हैं, वहीं पे लोड करेंगे, एक तो वापस लोड करके जम्मू पहुंच गया, तो 1599 भाई जो अरफान भाई हैं एंड समीर भाई वो वहीं पे लोड कर रहे हैं, तो हम भी पहुँचते हैं जल्दी से। इससे निकल आए तो अब फिर से ये ब्रिज खत्म होते ही एंटर पंजाब में हो जाएंगे। सो आगे जाना है थोड़ा सा और तो करेंगे फिर अपनी लोडिंग। बाकी फोग अभी भी ऐसे ही छाया हुआ है, मैं हमेशा यही बोलता हूँ फोग भाई, सिर्फ फोग, रात में तो बहुत ही रहता है, और जो ये पानी है भाई ये हिमाचल से होके आता है, ये वाला ऊपर जो डैम रोका हुआ है बहुत ही ठंडा पानी है, गर्मी में हम इसमें नहाते हैं भाई, स्विमिंग वगैरह सब करते हैं। ओ होली चल वीरे होली चल, लह जा काम नहीं करना, जाना कारा चे आना अखबारा च, नहीं जाना ट्रका चे आना अखबारा च। तो पहुंचा है मलकपुर और यहाँ से अगर भाई लेफ्ट लेंगे, दिल्ली वाला रोड है ये वाला, सो हमें सीधा आगे जाना है भाई, वेलकम टू अमृतसर पठानकोट टोल रोड स्टार्ट। तो हमें अमृतसर वाले रोड पे जाना है, पूरा अमृतसर नहीं जाना, पीछे ही जाना है कोई 60-70 किलोमीटर। तो चल रहे हैं हम भी आगे, दूसरी गाड़ियाँ भी वहीं पर हो रही हैं लोड, और गन्ने की सीज़न चल रही है, कितना सारा भरा हुआ है देख रहे हो।
है, फोग में बहुत मुश्किल होता है इससे बचना। बाकी गन्ना देख लो। चल भाई, तो अमृतसर वाला रोड वो रहा भाई, तो इधर से हमने लेफ्ट वाले पे ले लिया बटाला। हाँ भाई बटाला, तो आगे आप गांव वाले रोड पे जाना है। बाकी ना यार गाड़ी आज इतनी ज़्यादा भगाई ना कि 30-40 किलोमीटर मेरे ख्याल से 20-25 मिनट में निकाल दिया, जो कि ट्रक में मुश्किल होता है भाई। सो जल्दी से, क्योंकि वो हमारा वेट कर रहे थे ऐसा बोल रहे हैं वो। तो एंटायर FCI स्टोर राइट, तो हो चुका है वेड ब्रिज राइट, यहाँ इसी से तो अब जाएंगे भाई, लगाएंगे गाड़ी अपनी लोडिंग पॉइंट पे। राइट सर, अब किधर सर, लेफ्ट साइड के राइट साइड पूछ के आ जाओ। तो अभी आगे लगी हुई है गाड़ियां भाई, देख रहे हो 14 चक्का, ये वो वाला है सिग्नल के बगैर जो 14 चक्का पहले आता था। तो ये लोड हो जाए, देखते हैं साइड से अगर गेप मिल जाए तो लगाते हैं फिर अपनी गाड़ी भी वहां पे। और भी गाड़ियां है अपनी पीछे जो खड़ी है, एक और ये भी अपनी मतलब इसी ओनर की गाड़ी है ये भी। तो फिलहाल इस वाले गोडाउन में 3 गाड़ियां हैं अपनी। तो लग चुकी है गाड़ी लोडिंग पॉइंट पे, अब देखते हैं कब तक होगा लोड। फिलहाल तो लेबर खाना खाने गए। पूरी 500 पानी है, पूरी 500, ना उत्ते ना थले, 500 बैग। तो बस थोड़े ही समय में भाई अपनी 500 बैग कंप्लीट हो जाएगा। तैयार रह, तैयार रह, बस 20 और डालना है, उसके बाद करेंगे सील वगैरह। तो फिर पहले कांटा कराएंगे, फिर सील, तो फिर बिल बिल बनेंगी, फिर निकल जाएंगे। तो हो चुकी है लोडिंग कंप्लीट, तो अब जाएंगे वेड ब्रिज पे। पहले सील कर रही है या वेड ब्रिज? सो हो चुकी है लोडिंग कंप्लीट, सील भी, और अब करते हैं भाई शीशे साफ, और डाला भी कर दिया बंद। बाकी सर्दी आज कुछ बहुत ज़्यादा है, तो लोडिंग अपनी है भाई बांडीपुरा के लिए, डाला कुछ इस प्रकार का बंद हुआ है। बज रहे हैं 5, तो निकल गए इधर से बटाला से। सो जाते हैं अब भाई अपने जम्मू कश्मीर, तो आगे अपनी पठानकोट वाली रोड पे। तो अभी इसे देख रहे हो भाई अंधेरा होने लग गया है, बट अभी इतनी शाम हुई नहीं जितना लग रहा है। पठानकोट गुरदासपुर रोड है ये, बाकी खेती देख लो आप, मस्त भाई व्यू है। तो श्रीनगर अपना यहाँ से है भाई 37 किलोमीटर, और जम्मू में भी 88 था शायद, पल में फिर से J&K में एंटर हो जाएंगे। अभी तो अपने पंजाब ही में। ये हो गया हमारा भाई लखनपुर वाला टूटा फूटा सा रोड है, देख रहे हो इस पे रोड इतनी टूटी है ना क्या ही बोलने भाई। सो ये अपनी दूसरी गाड़ी एंड तीसरी भी वो एंड चौथी भी वो खड़ी है भाई। सो अपने साथ तो यही वाली है अभी, जिसमें आगे आपको ग्रीन कलर की लाइट नजर आ रही है। तो राजबाग में एंट्री कर दी, तो दाल कैसी बनी? अभी मटन डालेंगे बीच भाई, बकरे का मांस है भाई, बकरे का मीट है, बेड्डू का मीट, और ही मजा आएगा। दूसरी गाड़ी भी पीछे है, तो अभी निकलते हैं आगे, चलें शौकत भाई, बिस्मिल्लाह। तो देख लो अपनी लाइव भाई, घर पे ना मतलब हमारी लड़कियां या मतलब आपकी किसी के भी मतलब हमारी माए बहने एक जगह बैठ के भी काटने में उनको थोड़ी बहुत तकलीफ ही होती है। तो देख रहे हो रनिंग में सब्जी काट हो रही है। हाँ भाई, शौकत भाई को बहुत मतलब प्रैक्टिस है सब्जी काटने की फास्ट। तो आ चुके हैं अब अरफान भाई की गाड़ी चलाने भाई, थोड़ा मैंने सोचा आज BS4 फिर से चलाएं,
अरफान भाई कुछ सैड से थे तो मैंने सोचा आए भाई को थोड़ा एंटरटेनमेंट करें, पेन ड्राइव में साथ लेके आया हूँ भाई तेरे लिए सैड गाने साथ है, तो चलते हैं फिर। चल रही है अपनी गाड़ी आगे आगे और पहुंचा है बरी ब्रिमना में। यहाँ पे भी फ्लाई ओवर का काम चल रहा है क्योंकि स्मार्ट सिटी जो बनने वाली है अपनी जम्मू भी, श्रीनगर भी बनेगा स्मार्ट सिटी। और फिलहाल तो जम्मू में काम नहीं खत्म हो रहा है, श्रीनगर की तो बात ही नहीं है। बाकी इस गाड़ी में नॉइज थोड़ी कम है, मजा आता है भाई चलाने में। तो जान तो देखें उस वाली में बहुत ज्यादा है, क्या पता ये अरफान भाई क्या समझे। भाई नरवाल हो चुके हैं अपना पार, तो अभी इस चढ़ाई में चढ़ रहे हैं जो सिद्रा की और पत्रा की और रास्ता जा रहा है जहाँ पे आमर मस्जिद वगैरह स्टैंड करते हैं जो भी बाइक वाले हैं, तो चढ़ रहे हैं फिलहाल। और वेल्ड लाइफ भी है यहीं पे, चढ़ाई चढ़ रहे हैं, तीन नंबर चढ़ रही है गाड़ी। सो फोग ना काफी ज्यादा है, अब मेरा मन कर रहा है ना चार नंबर लगा देंगे। तो बज रहे 11 भाई, तो कर रहे हैं अपना डिनर आज। टाइम से किया है समीर भाई? हाँ टाइम है ना, बहुत टाइम से किया। इस भाई ने दही भी लाया, कहीं शौकत भाई बोल रहा है मैं आज मीट वगैरह, मतलब ये इसका है भाई शीप, मतलब बेडू का मीट है ये, तो ये बोल रहा है आज मैं खाऊंगा नहीं। वो नहीं भाई बहुत गहरा चमचा उतारा, दाल का है दाल भी डालो ना। तो खा लिया खाना, निकल गए फिर से। अरफान भाई सो जा यार। जजर कोटनी बिल्कुल अकेला रह गया मैं, क्योंकि आगे जो देख रहे हो कोई भी नहीं है, बस अकेला हूँ। तो जो गुलजार भाई थे उनकी गाड़ी गए अरफान भाई चलाने, क्योंकि गुलजार भाई की कोई तबीयत खराब थी थोड़ी, सो यहाँ से आगे आप बोलेंगे। तो फिलहाल मैं अकेला हो गया भाई, सभी तीन चार चार बैठे हैं, मैंने सोचा सोने दो उधर ही, कोई दिक्कत नहीं, देबू भाई अकेला चलेगा भाई। आए भी अकेले हैं भाई तो जाना भी अकेले ही है। नींद आ रही है या गाड़ी नहीं खींच रही है? आगे दोनों में जो ना अपनी गाड़ी है, नहीं अब थोड़ी थोड़ी खींची भाई ने गाड़ी। तो रात के बज रहे एक, तो पहुंचा है जजर कोटली। सो अभी मैं और अरफान भाई आज सोएंगे, बाकी कुछ और मेहमान लोग भी हैं, दूसरी तीन चार गाड़ियां एक साथ है, सब इधर उधर गए, मैंने सोचा आज मैं और अरफान भाई सोते हैं। हम ही साथ आ रहे थे अभी तक, गुलजार भाई की गाड़ी चला रहा था, सो पहुंचा है लाइन में, तो अब सोएंगे यहीं पे। कल जो नया व्लॉग आएगा वो यहाँ से भाई श्रीनगर का होगा, मतलब जम्मू टू श्रीनगर का। सो आज कार्रवाई रोकी है, तो कल 11-12 बजे तक छोड़ देंगे, है ना 12-1 बजे, मतलब कल दिन में किसी भी टाइम छोड़ सकते हैं। सो रखते हैं इस व्लॉग में इतना ही, उम्मीद है आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, इंस्टा फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।